क्या है कि मंजिल जैसी भी हो पता नहीं है, पर जो मज़ा रास्तों में है ना वो रास्तों में ही है। ये जो पैकेट है ना, इस पैकेट में ना एक खास चीज़ है, पता क्या? तो आज फिर सवारी रेडी है हमारी, तो अभी हम निकल गए हैं कारगिल के लिए। तो टाइम होगा लगभग 11 बज रहे होंगे, शायद 11 बज रहे हैं। 5-6 घंटे का रास्ता है, द्रास आएगा और कारगिल आएगा, सोनमार्ग आएगा, मतलब बढ़िया बढ़िया लोकेशन आने वाली है। आज की राइड तो मतलब बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। सवारी हमारी उस्मान टाई कर दी है, बिल्कुल रेडी है। पीछे अभिलेश भाई की खड़ी है, इधर पीयूष भाई की खड़ी है बाइक। तो चलते हैं, अभी मिलते हैं बाइक के ऊपर। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो पहले तो, और पूरा भी लोग देखना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो बाय बाय श्रीनगर, निकल गए हम श्रीनगर से। सामने डल लेक है, तो लेट्स गो। तो अभी हम पहुंच गए हैं नगीन लेक पे, देखते हैं व्यू कैसा है। बस मतलब जैसे ये वाला रोड पार होगा ना, एक ज़बरदस्त व्यू दिखने वाला है। साथ में नदी बह रही है इधर पूरा, और सामने पूरे पहाड़ है, मतलब इतना ज़बरदस्त व्यू है। मतलब इतनी खूबसूरत सी जगह है ना, इतनी खूबसूरत सी जगह है, मन ही नहीं भरे जा रहा, देखते रहो देखते। तो वेलकम टू सोनमार्ग दोस्तों। ये सामने मतलब देखो यार, कितनी गर्मी निकली है, कितने पहाड़ के ऊपर, मतलब कैसा लग रहा है, इतना अच्छा व्यू लग रहा है। पता है मेरे को सबसे अच्छी बात क्या लगती है माउंटेंस में, मतलब कि कहीं भी देख लो आपको व्यू इतना ज़बरदस्त मिलेगा, इतना ज़बरदस्त मिलेगा कि आपका मन करेगा बस यहीं रह जाऊँ। खारदुंगला के लिए मतलब इतनी ज़बरदस्त हाइट है, और पत्थर देखो कैसे हैं, यहाँ रुकना नहीं चाहिए वैसे, हमें चलना ही चाहिए। तो नीचे रिवर जा रही है, मतलब बड़ा बहुत अच्छा व्यू आपको दिख रहा होगा, और वो नीचे कैंप है शायद, मेरे को लग रहा है बालताल हो सकता है, बाकी मुझे पता नहीं है, शायद 99% पक्का है कि बालताल है। वो हेलीपैड भी बना हुआ है, तो अमरनाथ की यात्रा के लिए यहाँ से हेलीकॉप्टर ज़्यादा, अभी तो इस साल तो यात्रा बंद थी तो चालू ही नहीं हुई। और बाकी व्यू आपको दिख ही रहा है कितना ज़बरदस्त है। हम पहुँचने वाले हैं जुजीला पे, और जुजीला पे इतनी हाइट है तो खारदुंगला पे क्या होगा तुम्हारा कालिया, तुम्हारा क्या होगा कालिया। चलो जब यहाँ तक आए हैं तो वहाँ पर भी जाएंगे। वो सामने जो नीचे सड़क है ना वो दिख रही है, वो वाली, वो यहाँ से हम घूम घूम के अभी यहाँ तक पहुँचे हम, यहाँ तक मतलब वो ना एक नहीं, ये देखो कहाँ था, कहाँ से आते 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 हम यहाँ पर आए हैं। तो हमारे ट्रिप की पहली स्नो है, तो बेशक पुरानी ही, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहली है। तो मुबारक हो, हाँ स्पेशल है, पहली है इसलिए स्पेशल है तो काफ़ी पुरानी, ऊपर मिट्टी काफ़ी जमी हुई है, वो देखो नीचे से पानी आ रहा है, पीछे से मेल्ट हो रही होगी तो नीचे से चिल्ड पानी निकल रहा होगा, और इधर से छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है। तो अभिलेश भाई क्रॉस करेंगे हम, अभिलेश भैया की रिकॉर्डिंग करेंगे, चलो भैया। तो अभिलेश भाई जा रहे हैं पहली क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग भी भैया मुबारक हो, वैसे तो तुम दिल्ली में बहुत करके आए हो क्योंकि बहुत बारिश थी। तो अभी जाएंगे पीयूष भाई, चलो भाई, उसके बाद चलेंगे हम, हमारा नंबर आएगा सबसे लास्ट में। ऊपर से पत्थर आ रहे हैं बेटा, निकल लो यहाँ से, पतली गली। तो अभी हम पहुंच गए जुजीला पास पे, मतलब कि इतना इंतजार था यहाँ पहुंचने का, फिलहाल हम पहुंच गए जुजीला पास पे, जैसे ही पहुंचे वैसी बारिश शुरू हो गई है। हमने धो ली है मैगी, खाएंगे मैगी खाएंगे, मतलब ऐसे मौसम में मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है।
देख लिया कश्मीरी कावा, मतलब कि देखो जरा, मतलब कि देखने में तो चाय जैसा ही लग रहा है, बट तो पीने में मतलब बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है। जब भी आओगे तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। हम कावा भी पीते हैं, हम चाय भी पीते हैं, हम दारू भी पीते हैं, हम बियर पीते हैं कभी कभार। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जजीला पास से क्या व्यू आ रहा है, मतलब इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना, इतना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखो पीछे, मतलब कि जन्नत जिसे कहते हैं, वो पीछे सामने पहाड़ दिख रहा है ऊपर, उसमें क्या है कि अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है, ये आपको दिख रहा होगा। और इधर जो है, इधर भी ऊपर ये बर्फ़ की लेयर है, वो काफ़ी पुरानी पड़ी हुई है, वो तो सामने बर्फ़ पिघल पिघल के वाटरफॉल बन गया, मतलब इतना ज़बरदस्त नज़ारा आ गया। ये देखो जो जजीला पास पे, मतलब आज हमने जो जजीला पास कर लिया है 11,600 फीट ही है, तो यहाँ कर लिया, बढ़िया बढ़िया फ़ोटो क्लिक किया, रील बनाया, इंस्टाग्राम पे जाओ फॉलो करो। और ऊपर से मौसम बड़ा, मतलब कि वहाँ ऊपर देखो बाइक को भी मैंने इसके नीचे लगाया, मतलब कि अभी मैंने रेन कवर वगैरह डाला नहीं था, अभी डाल लेते हैं क्योंकि बारिश का पता नहीं है। तो पीयूष भाई क्या चल रहा है, फिर मज़ा आ गया नहीं आ रहा? मैगी खा रहे हैं और थोड़ी थोड़ी ठंड सी लग रही है यहाँ पे। तो अभिलेश भाई अभी अगली बार हमें पता कहाँ लेके जाने वाले हैं, क्या सिक्किम लेके जाने वाले हैं, मतलब वो भी बड़ी हाई था, मतलब बड़े बढ़िया टर्न है, क्या कहें, वहाँ पे तुम्हें नागिन जैसी बाइक लिटवाएंगे तुम्हारे से। तो देखते हैं कब जाते हैं, अभी तो फिलहाल इसको करते हैं अभी लद्दाख को, तो अभी मिलते हैं रास्ते में। अभी क्या है कि बारिश हो रही है, ये जो पैकेट है ना, इस पैकेट में ना एक खास चीज़ है, पता क्या, ये ना पीयूष भाई की तरह फूलता जा रहा है। देखो इसका पेट फूल गया पीयूष भाई की तरह, क्या क्या तुम्हें ब्रांड खाए थे, तो मैं तो गैस बल गई। क्या है कि मंजिल जैसी भी हो पता नहीं है, पर जो मज़ा रास्तों में है ना, वो रास्तों में ही है। रास्तों का मज़ा मंजिल में नहीं आ सकता, तो एंजॉय करते हैं हम इस खूबसूरत से रास्ते को, जिसके लिए हर राइडर का ड्रीम होता है लद्दाख आना, तो हम उसी ड्रीम को पूरा करने के लिए ऑन दी वे हैं लद्दाख के। हम दिल्ली में रहते हैं तो क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन है यहाँ पे, इतना शांति, इतना जो क्लीन है, बिल्कुल आसमान है बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल स्काई कलर एकदम, और वाइट वाइट कलर के बादल, अलग अलग कलर के पहाड़, साथ में नदी जा रही है, इतना साफ पानी जा रहा है, मतलब सारी चीज़ें एक साथ कॉम्बिनेशन बना के ना इतना सिनेमैटिक व्यू आ रहा है ना, इतना सिनेमैटिक व्यू आ रहा है। हो सकता है कैमरे में उतना मज़ा ना आ रहा हो देखने में, मतलब इतना मेरा ड्रीम होता था कभी कि ऐसा रोड हो और उसके ऊपर मैं अकेला चल रहा हूँ, और बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच, बिल्कुल दोनों साइड ग्रीन है, ऊपर से पहाड़ हैं, ऊपर से आसमान बिल्कुल क्लियर वाइट कलर के पहाड़ों, और बीच में मैं बिल्कुल सीधा, मतलब कि ये कह सकते हो कि आज मैंने अपने बहुत सारे सपने सच किए, और आने वाले दिनों में जितने दिन भी लद्दाख राइड पे हूँ, मेरे बहुत सारे सपने सच होने वाले हैं। तो ये लद्दाख टूरिज़्म का बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू दरास, ये वर्ल्ड का सेकेंड लोएस्ट मतलब कोल्डेस्ट प्लेस है जहाँ पे अभी हम हैं। तो अभी हम पहुँच गए कारगिल वॉर मेमोरियल, तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं बढ़िया सा व्यू हमारी शक्लों के साथ। तो ये हमारी फ्लैश लाइट है, ऐसे हम चलेंगे अभी आगे। तो ये हमें, ये हमारा मास्क नीचे है, अभी इनकी ठुकाई होने वाली है, इसलिए मैं ऊपर कर लेता हूँ। स्पेशली इंस्ट्रक्शन मिली है पीयूष भाई को कि भाई तेरा मास्क नीचे होगा तो तेरी ठुकाई करेंगे, मैं तो बाकी तो सबका चल अभी भी खुश हो रहा है। तो बहुत अच्छा व्यू है इधर, सामने चाँद भी आ गया ऊपर दिख रहा होगा। अभी हमें कारगिल वॉर मेमोरियल में यहाँ से जा रहे थे तो हम रुक गए, मतलब देखने के लिए है। तो अभी क्या चलते हैं कि बहुत बड़ा देखने के लिए, तो बट अभी इन्होंने बोला कि आप सीधा सीधा जाना, सीधा सीधा आ जाना, नहीं तो लट लट बता ना मोटा कितना होता है। ये सीधा सीधा आया, सीधा सीधा जाएंगे इधर से बिल्कुल वापस इधर, है ना।